गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कार्यकारिणी की बैठक मजीठिया भवन में हुई, जिसमें शोध छात्र दीपक कुमार द्वारा अपने ही विभाग के दो आचार्यों पर कैंट थाने में तहरीर देने पर विचार किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट आने तक कोई अग्रेतर कार्यवाही जिला एवं पुलिस प्रशासन न करे। पूरे प्रकरण पर आगे की रणनीति को तय करने के लिए अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को अधिकृत किया गया, सहित कुल 5 प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौड़, प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा, प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर ओपी पांडे, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रोफेसर आलोक गोयल, प्रोफेसर धनंजय कुमार, प्रोफेसर ए के तिवारी, प्रोफेसर संदीप दीक्षित व अन्य सभी सदस्य मौजूद थे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर ध्यानेन्द्र नारायण दुबे ने बताया। दर्शन शास्त्र विभाग के प्रकरण पर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कार्यकारिणी की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मत से जो प्रस्ताव पारित हुए, उनमें पहला प्रस्ताव ये था कि घटना की तत्कालिकता को देखते हुए शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया और उसमें उन्होंने जो मांग की कि जांच होने तक, उच्च स्तरीय जांच होने तक किसी भी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इसको कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से स्वीकार किया। कार्यकारिणी ने अन्य प्रस्ताव भी बहुमत से पास किया। दूसरा प्रस्ताव ये था कि विश्वविद्यालय द्वारा एक आंतरिक जांच समिति बनाई गई है, उस जांच समिति की रिपोर्ट इस परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आनी चाहिए, यथाशीघ्र आनी चाहिए। साथ ही दूसरा अगला प्रस्ताव ये था कि जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाए तब तक प्रशासन कोई अग्रेतर कार्रवाई न करे। कुलपति जी द्वारा जो दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष को हटा दिया गया, पद मुक्त कर दिया गया, कार्यकारिणी ने ये भी कहा कि बिना जांच के, बिना आरोप सिद्ध हुए उनको पदच्युत नहीं करना चाहिए था, उन्हें उस पद पर बहाल किया जाए। और कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से इस संदर्भ में अगली रणनीति बनाने के लिए शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह और उनके पदाधिकारियों को अधिकृत किया।